और भी संकल्प हैं, दो और बता देता हूं जो अति अति उपयोगी है जीवन के। किसी के जीवन में विघ्न बहुत आते हैं, तो संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विघ्न विनाशक हूं, साक्षात करें किसी को सफलता न मिल रही हो, सफलता चाहती हो, उसे संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मेरा जन्म से। संकल्प ने जन्म दिया है हजारों सुंदर अनुभव लोगों के पास। बच्चे परीक्षा से घबराते हैं, मैंने उनको ये सिखाया, 7 दिन में घर खत्म हो गया, बहुत सुंदर अनुभव है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये अभ्यास किए फटाफट नौकरी मिली। और सुन लो माताएं का सुन लो, बच्चों को सवेरे जब नींद से उठाओ, मैं और समय देता हूं, किसी को जाना हो तो जा सकते हैं अभी भी, किसी को गाँव में जाना हो कोई बंधन नहीं है। अगर आपको सवेरे वो, अगर आपको जीवन में कोई बंधन हो, पति का बंधन, कोई आपके घर में बीमार ही हो उसका बंधन, तो आपको आने नहीं देते सेंटर में, बीमार बहुत है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। किसी और चीज का बंधन हो उसके ही अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बंधन ध्यान से सुन लो। जिनके घर में गीता पाठशाला हो वो ध्यान से सुन ले, सिखाएंगे आने वालों को। इन एक एक संकल्पों में जादू है, और जादू क्यों है, क्योंकि इनकी तरंगे फैलती हैं चारों ओर, प्रकृति से मिक्स होती हैं और उन्हीं चीजों को कई गुना लेकर वापिस हमारे पास आ जाती है। ये सिद्धांत समझ लिया ना, मैं बंधन मुक्त हूं, मैं बंधन मुक्त हूं, तरंगे फैली आपको बंधन मुक्त बनाने। कई माताएं इसी यात्रा में, मैं 12 दिन से बाहर हूं, इसी यात्रा में कई माताओं ने मुझे बताया हम बहुत बीमार रहते थे और मन में ये संकल्प भर कर गया था, मैं तो रोगी हूं, मैं तो बीमार, मैं तो रोगी हूं, मेरा भाग्य ध्यान दिया, ये बातें सुनी, संकल्प हो गया मैं निरोग हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, सारे रोग 2-3 मास में भाग गए। सभी सुन लें, रोगों को भगाना है, मैं निरोग हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, 2 चीजों में रोगों को भगाने की ताकत है, वो है प्रेम और खुशी। इन दोनों में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। देखो आपका बच्चा रो रहा है, माताएं कैसे क्या करती हैं उसे सुलाने के लिए, प्यार की धमकी देती है, क्यों सो जाता है बच्चा, इसमें सबसे ज्यादा पावर है। दो विषय तो बोलिए, इसलिए अपने मन में नफरत बसा दी, घृणा भाव बसा दिया, चिंताएं बसा दी, प्यार खत्म हो गया, रोग बढ़ गए शरीर में। जो बहुत खुश रहेंगे, जिन्होंने अपने अंदर घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष को स्थान नहीं दिया, वो रोगी होंगे नहीं होंगे भी तो स्वस्थ हो जाएंगे। बातें